आज काफी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, तो ऐसे मेरा पैर लगा यहाँ पे थोड़ा हल्का सा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो अभी सुबह के 11 बज चुके हैं, आज लेट हो चुके हैं हम लोग व्लॉग स्टार्ट करने में। और यहाँ पर आई हुई है, जिद कर रही है ऊपर चढ़ने की। आज काफ़ी लेट हो चुके हैं क्योंकि तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। पहले तो पेट का दर्द ही चल रहा था और अभी रात को आज बुखार भी हुआ, इसके लिए काफ़ी लेट हो चुका सुबह उठने में। और नींद में छोड़ के आने आई हूँ तो सॉरी साक्षी को स्कूल में और दानिश को, और लेके भी आ चुका था इसको। और आज तो अभी हम लोग करते हैं नाश्ता, गर्मी काफ़ी हो रही है, दो दिन से गर्मी हो रही है, आज भी इतनी गर्मी हो रही है ना साक्षी। आज भी बारिश आने के पूरे चांस लग रहे हैं, यहाँ पर मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। तो फिलहाल करते हैं नाश्ता, यहाँ पर चाय अभी बन रही है, देखिए दूध यहाँ पर गर्म हो रहा है। और नाश्ते में बनाया आज पराठा, वो खाएंगे, अचार है। आयु, साक्षी और मैं दूध और पराठा खा रहे हैं। तो गाइस अभी हो चुका है दानिश को लेकर आने में टाइम, जो भी चलते हैं आज काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं दानिश को लेकर आने में, तो अभी फटाफट चलते हैं। वो हमारे ब्लॉक पर लिफ्ट भी नहीं आ रही है, तो जल्दी से नीचे वाले ब्लॉक पर जाते हैं और लेते हैं दानिश को स्कूल। तो दानिश आ चुका है स्कूल से, अभी नहीं चल, घर पर जाके खेलिए, दो दो बैग लेके जाता है। पहुँच चुके हैं घर पे अभी, और यहाँ पर सानिया दानिश के बैग का सामान निकालती हुई, चेहरा नहीं दिखा रही है, उल्टा सीधा घूम के पीछे में जा रही है। ये देखो दोनों गैलरी में क्या कर रहे हैं, दोनों बच्चे खेल रहे, क्या खेल रहे, पूरा चुन्नी की हाल बेहाल कर दिया लोगों ने। अभी दानिश और मैं स्कूल से आ रहे थे ना, तभी अभी आपने जो छोटा सा वीडियो क्लिप देखा, यहाँ पे हमारे आगे आगे पानी का टैंकर चल रहा है, वहाँ पे जैसे ही हम लोग कैमरा बंद करके मैंने फ़ोन जेब में डाला, वो आगे टैंकर वाले ने ब्रेक मारे अर्जेंट, और वैसे ही मैंने भी ब्रेक मारे मैंने, लेकिन धीरे धीरे मारे, एक्टिवा स्लिप होती होती तो कंट्रोल में कर ली मैंने बाद में, लेकिन थोड़े से बच चुके हम लोग। आज काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, तो ऐसे मेरा पैर लगा यहाँ पर थोड़ा हल्का सा, मुझे तो चोट नहीं लगी है, लेकिन मैंने पैर रख लिया तो कंट्रोल में आ गई एक्टिवा टैंकर के पीछे, लगी नहीं, मैंने पांव रख लिया नीचे, और आप टैंकर के पीछे ना चलाए क्योंकि पानी में बाइक कभी भी स्किल मतलब आप गिर गए थे, दानिश गिर गया था, गिरे नहीं बच गए, तो बच गए हम लोग। तो आप भी अपना ध्यान रखें, तो अभी दानिश ने यूनिफॉर्म चेंज कर ली है, अभी खाएगा खाना। ये देखो अभी दिखाता हूँ दानिश के लिए, दानिश के फेवरेट मैगी पास्ता यही रहेगा, या फिर आज खिचड़ी बना के वो खाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर अभी खाने यहाँ पर खिचड़ी गर्म करती हुई दानिश के लिए, बहुत जद्दोजहद और मेहनत करने के बाद, क्योंकि खिचड़ी मोटी हो चुकी है, मोटापा आ गया इसमें, अभी इसके लिए इसको मार मार के पतला कर दिया जा रहा है पानी डाल के, बिना पानी के ही इसको मार मार के पतला कर दिया जा रहा है सानी के द्वारा। दानिश खाएगा अभी खाना, हम लोगों ने आज खाया दाल और रोटी। ये देखो ये इसको पकड़ रही थी इससे कपड़े से, गर्म हो रहा है तो कपड़ा ही जला दिया इसने, क्या है रे भाई, मेरे पे नहीं सब काम अंदर, किचन का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं इस लड़की को, वो खिंडा दे, वो गिरा दिए, वो ये देखो छोटा सा, ये देखो कहाँ पे घुस के फोन देख रहा है छिपके। पापा वाली तो अभी लेते हैं दवाई खाने खाने के बाद, सिर्प नहीं सिर्फ पेट के दर्द की जलन की, है ना। और दानिश की खिचड़ी आ चुकी है, ये देखो खिचड़ी इसकी, और फोन देखते देखते ही खाता है खाना, क्या कहाँ जाएगा, टीवी में घुसे है क्या टकले। तो गाइस अभी मैं आया हूँ यहाँ पर फालूदा लेने के लिए, यहाँ पर अभी
फालूदा रेडी हो रहा है। तो ये भैया फालूदा हमारा रेडी कर रहे हैं जो ऑर्डर किया है। तो गाइस पहुंच चुके हैं लेकर फालूदा घर पे। ये रहे सबके फालूदा और अभी खाएंगे। दानिया का फ़ोन आया था कि फालूदा लेकर आना, काम से आते आते मैं फालूदा लेकर आया हूँ, केसर वाला, रोज़ वाला, और अभी खाएंगे। तो अभी रात के 11:30 बजे हुए हैं, तो इन लोगों को फालूदा खाना है और मैं खाऊंगा खाना। खाना खाने के बाद दवाई भी खानी है और फिर बाय बाय।